नमस्कार दोस्तों, तो हमेशा की तरह मैं तन्नू आलम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्लास 10th का हिंदी का नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको अब स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है ठेस कहानी का पात्र है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हामिद, बी है बाल गोविंद भगत, सी है सिरचंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सिरचंद। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लेखक का, बी है मानो देवी का, सी है कलाकार का, डी है किसी का नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कलाकार का। इसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 8 रुपये में, बी है 10 रुपये में, सी है 12 रुपये में, डी है 15 रुपये में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 8 रुपये में। इसके बाद चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरचंद स्टेशन पर मानो देवी को क्या देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शीतल पाटी, बी है चीक, सी है एक जोड़ी आसनी कोश की, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, रिक्त स्थान को पूरा करे। यहाँ पे राह पे और डॉट डॉट दे दिया है, मुझको कह दिया है। तो यहाँ पे डॉट डॉट जो है खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, इसको पूरा करने के लिए कह रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चलाना, बी है बताना, सी है दिखाना, डी है बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए चलाना, यानी उस राह पे चलाना मुझको। तो यहाँ पे चलाना होगा, ठीक है, यहाँ पे चलाना होगा। इसके बाद छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। और कह रहा है उपर्युक्त दोहा में जीनत का अर्थ है, यानी जीनत का इसमें क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है शोभा, सी है फुलवारी, डी है भलाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी शोभा। इसके बाद सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तू जिंदा है तो, बी है कर्मवीर, सी है बिहारी के दोहे, डी है बच्चे की दुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए तू जिंदा है तो। इसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। और कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कबीर की, बी है बिहारी की, सी है शंकर शैलेंद्र की, डी है नरोत्तम दास की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी शंकर शैलेंद्र की। इसके बाद नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आम, बी है इमली, सी है पीपल, डी है बरगद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी इमली। इसके बाद दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है हामिद के दोस्तों का नाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महमूद, बी है नूरे, सी है मोहसिन, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सभी। इसके बाद ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेले में हामिद क्या खरीदता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खिलौना, बी है मिठाई, सी है गुजरिया, डी है चिमटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी चिमटा। इसके बाद बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रेवड़िया, बी है गुलाब जामुन, सी है सोहन हलवा, डी है जलेबियाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए रेवड़िया। इसके बाद तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दानवीर, बी है बलवीर, सी है कर्मवीर, डी है वचनवीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कर्मवीर। इसके बाद चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की, और इसमें डॉट डॉट दिया है कह रहा है निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आगे दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है असफलता, बी है अशिक्षा, सी है सफलता, डी है विफलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सफलता। इसके बाद पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रतन, बी है शीशा, सी है कार्बन, डी है पत्थर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए रतन। इसके बाद सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना, काम पड़ने पर करे जो डॉट डॉट करके कह रहा है का भी सामना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शेर, बी है चीता, सी है मुसीबत, डी है दुखों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शेर। इसके बाद सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत की प्रभातिया कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चैत, बी है वैसाख, सी है माघ, डी है फागुन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी फागुन। इसके बाद अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत क्या थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है साधु, बी है गृहस्थ, सी है भगत, डी है कलाकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी गृहस्थ। इसके बाद उन्नीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पोते से, बी है पोती से, सी है पतोहू से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पतोहू से। इसके बाद बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तीन, बी है पाँच, सी है दो, डी है चार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए तीन। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योगरूढ़, डी है तद्भव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यौगिक। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत शब्द कौन संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक, डी है समूहवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैं, बी है जो, सी है कोई, डी है कौन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जो।
इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हे राम कौन कारक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है संबंध कारक, डी है संबोधन कारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी संबोधन कारक। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है थोड़ा, बी है कैसा, सी है दो शेर, डी है सैकड़ों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सैकड़ों। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे और डैश कह रहा है क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्यकाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी भविष्यकाल। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आयु कौन लिंग है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुलिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी स्त्रीलिंग। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किताब का लिंग निर्णय करें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उभयलिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है पुलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी स्त्रीलिंग। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है किसी के दुख में दुखी होना, बी है चोट पर नमक डालना, सी है दुखी को और अधिक दुख देना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी दुखी को और अधिक दुख देना। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बहुत प्यारा होना, बी है नाक में बाल होना, सी है छींक आना, डी है सर्दी होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बहुत प्यारा होना। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अशोक ने, बी है पद्मा ने, सी है लक्ष्मीबाई ने, डी है सेनापति ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अशोक ने। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कलिंग के महाराज, बी है कलिंग के सेनापति, सी है पद्मा, डी है किसी के सामने नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पद्मा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, बी है पद्मा, सी है कलिंग के महाराज, डी है कलिंग के सेनापति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सम्राट अशोक। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजकुमारी थी, बी है स्त्री थी, सी है कमजोर थी, डी है युद्ध नहीं जानती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी स्त्री थी। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रशियल से, बी है सीजर से, सी है मोदी से, डी है इमरान से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सीजर से। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महात्मा गांधी की, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, सी है दिनकर की, डी है निराला की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईर्ष्या, बी है प्रशंसा, सी है खुशी, डी है हंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ईर्ष्या। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको कहा गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शैतान को, बी है भगवान को, सी है इंसान को, डी है नादान को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भगवान को। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आखिन देखी की प्रतिष्ठा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पहले पद में, बी है दूसरे पद में, सी है दूसरे पद की पहली पंक्ति में, डी है दूसरे पद की चौथी पंक्ति में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहले पद में। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 10, बी है 5, सी है 6, डी है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 6। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 8। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 12वीं सदी में, बी है 13वीं सदी में, सी है 11वीं सदी में, डी है 10वीं सदी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 13वीं सदी में। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3 फीट, बी है 4 फीट, सी है 4.5 फीट, डी है 5 फीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 4.5 फीट। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प प्लस वन, बी है पा प्लस वन, सी है पो प्लस अन, डी है प प्लस अन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पो प्लस अन। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संगीत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स प्लस गीत, बी है सम प्लस गीत, सी है संगीत प्लस त, डी है सु प्लस गीत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सम प्लस गीत। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज सिंहासन कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है द्विगु, बी है द्विंगु, सी है धर्मधारय, डी है तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी तत्पुरुष। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजपुत्र, बी है नवयुवक, सी है चंद्रमुख, डी है प्रतिदिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी प्रतिदिन। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सपूत में उपसर्ग है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है त, बी है पूत, सी है स, डी है सपू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अन, बी है अ, सी है पढ़, डी है अपढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ए अन। इसके बाद 50वां क्वेश्चन कह रहा है गाड़ी वान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गाड़ी, बी है वान, सी है नॉ, डी है अन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वान। इसके बाद 51वां क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पक्षी, बी है कोकिला, सी है भ्रमर, डी है गज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पक्षी। इसके बाद 52वां क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पर्वत, बी है धरा, सी है गिरी, डी है भूधर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी धरा। इसके बाद 53वां क्वेश्चन कह रहा है अधम का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नीचे, बी है ऊंचा, सी है नीच, डी है उत्तम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उत्तम। इसके बाद 54वां क्वेश्चन कह रहा है ठोस का विलोम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सरल, बी है गरल, सी है विरल, डी है तरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी तरल। इसके बाद 55वां क्वेश्चन कह रहा है भैंस से दूध लेना है या काशी दाकारी करवानी है, किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खरीदार ने, बी है मालिक ने, सी है नौकर ने, डी है दही वाली ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मालिक ने। इसके बाद 56वां क्वेश्चन कह रहा है संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मार्च, बी है अप्रैल, सी है जनवरी, डी है फरवरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी जनवरी। इसके बाद 57वां क्वेश्चन देखते हैं। 57वां क्वेश्चन कह रहा है संजू को उपहार में क्या मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खिलौना, बी है किताब, सी है कलम, डी है डायरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी किताब। इसके बाद 58वां क्वेश्चन कह रहा है पीपल के किस भाग में पक्षी यानी पंछी और गिलहरियों के घर हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फुनगी पर, बी है तने पर, सी है कोटर में, डी है जड़ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कोटर में। इसके बाद 59वां क्वेश्चन कह रहा है जल के ऊपर उठता मृणाल फुंगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति किस कविता से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पीपल, बी है बच्चे की दुआ, सी है झांसी की रानी, डी है कर्मवीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीपल। इसके बाद 60वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति चित्रण और डैश डैश करके कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रगतिवादी, बी है प्रयोगवादी, सी है छायावादी, डी है रीतिकालीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी छायावादी। इसके बाद 61वां क्वेश्चन कह रहा है गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तू जिंदा है तो, बी है पीपल, सी है कर्मवीर, डी है सुदामा चरित। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पीपल। इसके बाद 62वां क्वेश्चन कह रहा है बुलबुल पंछी कब गाने लगती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वर्षा की फुहार पड़ने पर, बी है गर्मी में, सी है सर्दी में, डी है रात में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए वर्षा की फुहार पड़ने पर। इसके बाद 63वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आशीर्वाद, बी है आशीर्वाद, सी है आशीर्वाद, डी है आशीर्वाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी आशीर्वाद। इसके बाद 64वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अभिलाषा, बी है रोशनी, सी है रोशन, डी है राकेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रोशनी। इसके बाद 65वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, बी है आपके घड़ी में कै बजी है, सी उसके चाचा के लड़की हुई है, डी है कमरा लोगों से लबालब भरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी उसके चाचा के लड़की हुई है। इसके बाद 66वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैं प्रातः काल घूमता है, बी है मैं प्रातः समय घूमता है, सी है मैं प्रातः काल के समय घूमता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मैं प्रातः काल के समय घूमता है। इसके बाद 67वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सर्वज्ञ, बी है अल्पज्ञ, सी है बहुज्ञ, डी है अज्ञ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी अज्ञ। इसके बाद 68वां क्वेश्चन कह रहा है भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेपाली जी को, बी है निराला जी को, सी है प्रेमचंद जी को, डी है बिहारी लाल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निराला जी को। इसके बाद 69वां क्वेश्चन कह रहा है याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त कौन थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है कर्पूरी ठाकुर, सी है बेढाव बनारसी, डी है दीन बंधु निराला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी दीन बंधु निराला। इसके बाद 70वां क्वेश्चन कह रहा है कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शंकर शैलेंद्र, बी है प्रेमचंद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है आचार्य शिव पूजन सहाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद 71वां क्वेश्चन कह रहा है खेमा कितने वर्ष का था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5 से 6 वर्ष, बी है 6 से 7 वर्ष, सी है 7 से 8 वर्ष, डी है 8 से 9 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 8 से 9 वर्ष। इसके बाद 72वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ईदगाह, बी है ठेस, सी है खेमा, डी है चिकित्सा का चक्कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी खेमा। इसके बाद 73वां क्वेश्चन कह रहा है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्योंकि नंगे पैरों की जलन में आराम मिलता था, बी है क्योंकि पैर साफ हो जाते थे, सी है क्योंकि उसकी आदत थी, डी है क्योंकि पानी से खेलना उसे अच्छा लगता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये ए क्योंकि नंगे पैरों की जलन में आराम मिलता था। इसके बाद 74वां क्वेश्चन कह रहा है गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन
मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए केवड़ा, बी है गुलाब, सी है खस और रात रानी, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी। इसके बाद 75वां क्वेश्चन का है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, बी है अरुण कमल, सी है शंकर सैलन, डी है गोपाल सिंह नेपाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अरुण कमल। इसके बाद 76वां क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कदम, बी है जैनब, सी है गुड़िया, डी है सोनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कदम। इसके बाद 77वां क्वेश्चन देखते हैं। 77वां क्वेश्चन कह रहा है हौसले की उड़ान में यहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बिहार। इसके बाद 78वां क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बच्चे की दुआ, बी है करमवीर, सी है हौसले की उड़ान, डी है राह भटक के हिरण के बच्चे को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी हौसले की उड़ान। इसके बाद 79वां क्वेश्चन कह रहा है प्रतीक्षा का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संभव, बी है शब्द, सी है इच्छा, डी है इंतजार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इंतजार। इसके बाद 80वां क्वेश्चन कह रहा है आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है वीर कुंवर सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जयप्रकाश नारायण। इसके बाद 81वां क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 14 जनवरी 1921 को, बी है 24 जनवरी 1921 को, सी है 24 मार्च 1921 को, डी है 24 अप्रैल 1991 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 24 जनवरी 1921 को। इसके बाद 82वां क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर किन पदों को सुशोभित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्यवाहक अध्यक्ष, बी है विरोधी दल के नेता, सी है उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद 83वां क्वेश्चन कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुंडा विद्रोह के दौरान, बी है आदिवासी आंदोलन के दौरान, सी है अगस्त क्रांति के दौरान, डी है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अगस्त क्रांति के दौरान। इसके 84वां क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी बाई किसकी मुंह बोली बहन थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है झांसी के राजा की, बी है लखनऊ के नवाब के, सी है कानपुर के नाना की, डी है शिवाजी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कानपुर के नाना की। इसके बाद 85वां क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तीरन बाई, बी है लीला बाई, सी है लक्ष्मी बाई, डी है अहिल्या बाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लक्ष्मी बाई। इसके बाद 86वां क्वेश्चन कह रहा है लुकमान नाम था एक यानी किसका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हकीम का, बी है कसेरा का, सी है दवा का, डी है सुई का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए हकीम का। इसके बाद 87वां क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 150 रुपया, बी है 100 रुपया, सी है 101 रुपया, डी है 102 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये 150 रुपया। उसके बाद 88वां क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बानी में हौंजू प्रवीणे। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राधा से, बी है सुदामा से, सी है श्रीधामा से, डी है बलभद्र से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सुदामा से। इसके बाद 89वां क्वेश्चन कह रहा है सुदामा चरित के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नरोत्तम दास, बी है कुंभन दास, सी है सूरदास, डी है तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नरोत्तम दास। इसके बाद 90वां क्वेश्चन कह रहा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बतावें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आसानी से काम होना, बी है लोहे से बना चना खाना, सी है कठिन परिश्रम करना, डी है चने पर लोहे का पानी चढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कठिन परिश्रम करना। इसके बाद 91वां क्वेश्चन कह रहा है आग में घी डालना। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आग जलाना, बी है हवन करना, सी है आग बुझाना, डी है क्रोध भड़काना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी क्रोध भड़काना। इसके बाद 92वां क्वेश्चन कह रहा है शैलेंद्र का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शैले प्लस इंद्र, बी है शैलू प्लस इंद्र, सी है शैल प्लस इंद्र, डी है सम प्लस इंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी शैल प्लस इंद्र। इसके बाद 93वां क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परिपलक्ष इच्छा, बी है परिपलक्ष इच्छा, सी है परिपलक्ष इच्छा, डी है परिपलक्ष इच्छा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी परिपलक्ष इच्छा। इसके बाद 94वां क्वेश्चन कह रहा है दीनानाथ में डॉट डॉट समास है यानी कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, बी है करण तत्पुरुष, सी है संबंध तत्पुरुष, डी है अधिकरण तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी संबंध तत्पुरुष। इसके बाद 95वां क्वेश्चन कह रहा है परा उपसर्ग के योग से बना शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पराजय, बी है प्रवीण, सी है परिमाप, डी है परिनिधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पराजय। इसके बाद 96वां क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डॉट डॉट प्रत्यय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कृत प्रत्यय, बी है तद्धित, सी है अव्यय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी तद्धित प्रत्यय। इसके बाद 97वां क्वेश्चन कह रहा है नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हस्ती, बी है तालाब, सी है झरना, डी है तटीनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी तटीनी। इसके बाद 98वां क्वेश्चन कह रहा है विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वीणा पानी, बी है चक्रपाणी, सी है ब्रह्मा, डी है महादेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी
चक्र पानी। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुर का विलोम है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आम्ल, बी है तीक्ष्ण, सी है क्षारित, डी है कटु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कटु। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामिश का विलोम शब्द क्या चयन करें, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आमिश, बी है निरामिश, सी है तामस, डी है राजस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी निरामिश। तो इस सेक्शन से 100 ही क्वेश्चन लाए थे और इस मॉडल पेपर का इस सेक्शन का 100 ही क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।